मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाहलिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से सूरवीर महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहां आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाए पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोली तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी अर्थात पांडवों की अपेक्षा चार अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही, कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। परंतु यह जो पांडवों की सेना है यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहां एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं।
पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है, भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता, उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीतार्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षौणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना। और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है।